Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. बच्चों, कल हमने कविता एक के प्रश्न उत्तर अर्थात क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज हम कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। कविता में तुक वाले शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कभी, सभी आदि। आप भी समान तुक वाले शब्द लिखिए। गान, मान, निकेतन, चेतन, यही, वही, हाथ, साथ। आओ बच्चों, अब हम संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि ध्वनियों का मेल है, ध्वनि अर्थात स्वर। आइए अब नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अनाथालय, अनाथ प्लस आलय। छात्रालय, छात्र प्लस आलय। अधिकाधिक, अधिक प्लस अधिक। शुभारंभ, शुभ प्लस आरंभ। कविंद्र, कवि प्लस इंद्र। परीक्षा, पर प्लस इच्छा। प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय का अर्थ होता है समान, समान अर्थ वाले शब्द। नदी, सरिता, तटिनी। निकेतन, घर, सदन। धरती, धरा, पृथ्वी। कदली, केला, भानुफल। गान, गीत, गायन। चेतन, होश, जीवित। तो बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा आदि। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। महान, महानता। भव्य, भव्यता। शूद्र, शूद्रता। करुण, करुणा। विविध, विविधता। मानव, मानवता। क्रिया जिस समय संपन्न होती है वह उसका काल कहलाता है। काल अर्थात टेंस। काल के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। नंबर दो, भूतकाल, जो समय बीत चुका है। नंबर तीन, भविष्यत्काल, जो समय अभी आया नहीं है। निम्नलिखित पंक्तियों की क्रियाओं को कोष्ठक में दिए कालों में बदलिए। कदली चावल, अन्य विविध अरु, शीर सुधा में लुटा रही है, इसे भूतकाल में बदलिए। भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस। कदली चावल, अन्य विविध अरु, शीर सुधा में लुटा रही थी, उन्हें देखकर भयभीत न होंगे, इसे वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान अर्थात प्रेजेंट टेंस। उन्हें देखकर भयभीत नहीं होते हैं। यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमेह गान कभी थे, इसे भविष्यत काल में बदलिए। भविष्यत अर्थात फ्यूचर टेंस। यह है देश जहां नारद के मधुमेह गान कभी गूंजेंगे। नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने से पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे।
कुछ शब्दांश या कोई अक्षर ऐसे होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उ प्लस स्थित उपस्थित। तो बच्चों, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। तो आओ अब हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे निर्धन प्लस ता निर्धनता। तो बच्चों, आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे सफलता। सफलता में स उपसर्ग है, फल मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में प्र उपसर्ग है, उत्साह मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। विस्मरणीय। विस्मरणीय में वि उपसर्ग है, स्मरण मूल शब्द है और इय प्रत्यय है। बेईमानी। बेईमानी में बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है और ई प्रत्यय है।